यहाँ से खुलता है, यहाँ चलते हैं। अच्छा जी, तो अब हम किचन के अंदर एंटर हो रहे हैं। स्टार्ट में जी ये दो चेयर्स पड़ी हुई हैं जिनके ऊपर यूं 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 घूम सकते हैं। उसके बाद इस दरवाजे को थोड़ा इस तरह करते हैं, यहाँ पे तीन अलमारियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। तीन अलमारियों के बाद ये प्रॉपर बैठ के यहाँ पे खाना ये लोग खा सकते हैं, ठीक है जी। ये प्रॉपर शेल्फ बनी हुई है, वो छोटा सा मिनी सिंक बना हुआ है, ये डेकोरेशन पीसेस रखे हुए हैं जिसके अंदर मैं आप लोग को मास्क बनाना सिखाती हूँ ना, ये मेरी बहन ने जी डेकोरेशन पीस के तौर पर एज रखा हुआ है, लेकिन मैं इसमें मास्क बनाती हूँ। ये अम्मी हमारी सिकुर्दू से रही थी मेरी और मेरी बहन के लिए, ठीक है जी। यहाँ पर इसने टाइल्स यूं करके और डेकोरेशन पीस रखे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आप लोग को अलमारियों का पैटर्न दिखाती हूँ। थोड़ा सा नीचे बैठ जाओ ताकि आप लोग को नज़र आए। पूरी थल्ले बह जाती हूँ। यह देखिए जी, ये अलमारियों का पैटर्न है, ठीक है जी। ये है छोटू सा लाइट, ये है पंखा, और ये छत, जैग छत है, और लाइटें 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 इनके घर में, इनके घर आके बंदा घूम जाता है। अच्छा, ये जिस तरह खुलती है ये मैं आप लोग को बताती हूँ, इस तरह खुलता है। उसके बाद यहाँ पे ये इसका ये वाला लगा हुआ है, क्या कहते हैं, होल्डर लगा हुआ है, हाँ, उसको इस तरह बंद कर देते। मैंने पीछे अपनी बहन को खड़ा किया हुआ, मैं कुछ गलत ना बोल दूँ भाई तुमने साथ साथ बताती रहना। ये विंडो है, इसको यहाँ से खींचते हैं तो रोशनी आती है। उसके बाद ये किस तरह की वॉच लगी हुई है, टेढ़ी लगी है, टेढ़ी लगी हुई है। यहाँ पे दो कबर्ड है, इसको ऊपर की तरफ खोलते हैं। उसके बाद ये चीज़ बड़ी अच्छी है, इसके अंदर प्रॉपर आप लोग अपनी ग्रॉसरी ला के रख सकते हैं प्रॉपर। इसने पीछे से आवाज़ आ गई हो गया, खोलना मैं इसे जी नहीं खोलती जी। ये देखें जी, ये इस तरह आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा मुझे। ये प्रॉपर इसके अंदर आपने ग्रॉसरी, नूडल्स, सेवैयाँ, मसाले जो भी रखना चाहते हैं आप इसके अंदर रख सकते हैं, लेकिन सर्दियों के अंदर मसाले वरना ख़राब हो जाते हैं गर्मियों में, ठीक है जी। ये प्रॉपर, उसके बाद आप लोग में फ्रिज, और ये देखें ये दरवाज़ा है किचन की तरफ जाता, ठीक है जी। ये भी मैं आप लोग को भी खोल के दिखाती हूँ, सेम दरवाज़ा। ये है थीम, यार किधर जाऊँ मैं, किधर से ऊपर बैठती हूँ। ये देखें, ये फ्रिज है, ठीक है जी। बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर लगी हुई है, सारी तारें भी उसके अंदर है। उसके बाद वो माइक्रोवेव है, और ये अवन छोटा सा फिट कराया गया है। और नीचे यहाँ पे दो ड्रॉर्स बनाए गए हैं, वहाँ पे एक बड़ा ड्रॉ बनाया गया है, और वो स्विचेस सारे लगे हुए हैं, ठीक है जी। अब ये फ्रिज मैं आप लोगों को बताऊँ, ये वाला फ्रिज लेने का फ़ायदा नहीं है, ये फ्रिज सिर्फ शश का है, क्योंकि इतनी हमारे तो बर्तन बांडे होते हैं ना, बर्तन नहीं होते, ये तो गोरों के लिए बना हुआ है, छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए, ठीक है। इसके अंदर सॉसेस वगैरह इस तरह आ सकती हैं, हांडियाँ वगैरह ना प्रॉपर इसमें आती नहीं है, जगह थोड़ी हो जाती है, इसलिए हमें देसी फ्रिज ही सूट करते हैं, ये सिर्फ शशके वाले ले सकते हैं, ठीक है जी। ये दो हैं, उसके बाद ये अवन है, ये है माइक्रोवेव, ठीक है जी। अब हम चलते हैं यहाँ, ये जी बच्चे भी सो के उठे हैं, आधी वीडियो मैंने रात को बना ली थी, आधी अब बनाऊंगी। ये मेरा एक काका है, ये दो माशाल्लाह मेरी बहन के बेटे हैं। मान भाई को बोल दो, मानो भाई को बोल दे दो। नहीं जी मेरी कुड़ी ना लड़ाकी लड़ाकी मामा। जी बेटी जान, हाँ जी फूल, फूलों के जो हम शुदाई हैं बहुत ज्यादा, मैं फूल बस पकड़ा दे, ले लो जी भाई फूल ले लो जी, फूल ले लो, वाओ भी करो ना साथ ईमान नो साथ साथ उसके पास जाना बेटे, जा तो नहीं रहे होंगे। मानो
माँ नौ बेटे नौ वाओ हाँ जी मामा के दे दो ओहो नहीं करती बेटा चीजें नहीं छेड़ते ऐसे बुरी बात होती है चलो ऊपर बैठ जाओ सोफे के अच्छा जी अब मैं पी रही हूँ ऑरेंज जूस रात मैंने ये वाला आप लोग को किचन दिखा दिया था ठीक है जी अब हम यहाँ इंटर होते हैं सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने एक ऑयल रखा हुआ है माइक्रोवेव ठीक है जी यहाँ पे दो ड्रॉर्स हैं नीचे स्टूल पड़ा है वो मेरा ख्याल है चावल चावल रखे हुए हैं ये मक्खी मार रखा हुआ है आसान अल्फाज में हमारे घर में तो चपेट होती है ना मक्खी मार वाली भाई ये बड़ा घर है इन्होंने ये रखा हुआ है उसके बाद ये रखा हुआ दूसरा फ्रिज लेकिन जो मैंने कहा था ना इस फ्रिज से गुजारा नहीं होता हम देसी घरों में हमें ये वाला बड़े वाले फ्रिज लेने ही पड़ते हैं फिर ही पूरी पड़ती है उसके बाद ये ड्रॉर्स वगैरह हैं सारे जो ड्रॉर्स का है ना वो मैं आप लोग को अपने घर का भी दिखाऊंगी ड्रॉर्स का सिस्टम मुझे अपना अपने घर का ज़्यादा अच्छा लगता है और ये किचन जो कुकिंग रेंज है वो भी मुझे अपने घर वाली ज़्यादा अच्छी लगती है ठीक है जी जिसने इस तरह का बनवाना है वो इस तरह का बनवा ले वरना मैं घर जाके अपनी वो भी आपको ना शेयर कर दूंगी कि मेरे घर के किचन का कुकिंग रेंज और सारे ड्रॉर्स वगैरह उसके बाद यहाँ पे ड्रॉर्स हैं ठीक है जी ये सिंक लगा हुआ है वो रोशनदान है खिड़की है ये दो दराज हैं वो मटका पड़ा हुआ है पानी वाला जहाँ से पानी पीते हैं ये जी ऑरेंज जूस बन रहा है आजा पुत्र आजा आजा ये दरवाजा है अच्छा जी अब आपने इसको लॉबी कहते हैं पूछना पड़ता है कुछ गलत ना निकल जाए ये जी लॉबी निकलती है किचन से सबसे पहले तो ये है दो तस्वीरें मेरी खाला ने बनाई जी हम सारे फनकार कहलाते हैं ये जी क्या हुआ मेरे बेटे को ये देखिए जी सबा लिखा हुआ है मेरी खाला का नाम सबा है ये मेरी खाला ने पेंटिंग जो बना के जब मेरी बहन का घर बना था तो उसको गिफ्ट की थी यहाँ पे लैंटर्न लगाया हुआ है ये दरवाजा है एक ठीक है लाइट ऑन करते हैं ठीक है छत इसकी इस तरह ज़िगज़ैग है और ये जगह उधर को खुलती है जहाँ टीवी लाउंज है ठीक है बाकी ये दो कमरे रह गए ये मेरी बहन का मेन बेडरूम है ये बच्चों का है बाकी जो स्टेयर्स बाहर लगी हुई थी वहाँ ऊपर गेस्ट रूम है और एक्स्ट्रा सेपरेट कमरे ऊपर है ऊपर का नहीं पोर्शन दिखाऊंगी बहुत लंबा हो जाएगा अभी सारे सो के उठे हैं ठीक है जी अभी थोड़ा तहस नहस हुआ हुआ है कमरा जैसे ही सफाई होती है फिर मैं इसको भी आपको दिखाती हूँ भाई इतना बड़ा कमरा है पूरी जंज रह सकती है ये जी बच्चों का कमरा है ये भी ज़रा अभी सो के उठे थोड़ा सा ठीक करके ये मैं आपको दिखाती हूँ ये मेरी बहन का बड़ा बेटा है साथ और वो छोटा बेटा है वहाँ हाँ जी बॉल दे दो जी हमारी बॉल दे दो क्यों पकड़ी है हमारी बॉल ये लो शुमाइला एक जूता इसका ये पड़ा है और एक मेरे बैग में पड़ा है मैं आपको भी देती हूँ रुको जी इसको ईमान को खाला घर की सफाई पसंद नहीं आ रही तो अब खुद सफाई कर रही है करो करो बेटा खाला नहीं सही सफाई करती अच्छा जनाब अब हमारी आती है बेडरूम देखने की जो नीचे वाले दो हैं वो आप लोग को दिखाऊंगी ठीक है जी ये मेन बेडरूम है जैम्बो साइज यहाँ पे आप लोग पूरी बारात को सुला सकते हैं ठीक है जी सबसे पहले जी ये सोफ़ा कम बेड है क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं तो इधर साथ अटैच करना पड़ता है बच्चों का साथ वाला रूम है वहाँ पर भी सोते नहीं हैं उसके बाद ये पर्दों का डिज़ाइन है ठीक है जी पीछे चिक लगाई हुई है पर्दों का डिज़ाइन है इस तरह खोले हुए हैं हुए उसके बाद देखिए दीवारें ये प्लेन है ये वाली दीवार भी प्लेन है ये वाली दीवार भी प्लेन है ये वाली दीवार भी प्लेन है और इस दीवार पे वॉलपेपर लगाया हुआ है ठीक है जी और अब मैं आपको बेड भी दिखा देती हूँ ये बेड है ये फैसल क्लॉथ हाउस की बेडशीट बिछी हुई है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ये रग बिछाया हुआ है ये देखें जी ये है मैं थोड़ा पास से हो जाऊँ ये सोफे और साथ वॉच रखा हुआ है दरमियान में टेबल है और मिरर है ये एक साइड की सेटिंग की हुई है एक साइड पे बेड और लैंप्स की सेटिंग की हुई है एक साइड पे सोफे हैं ठीक है जी इतना कुछ रखा नहीं हुआ इस कमरे के बच्चे छोटे हैं ईमान के कह रही हूँ आमना के मेरी बहन के वो मेला काका आ गया मेला काका आ गया आजा मिली जान आ गई
चाय। अच्छा जी, ये टीवी की सेटिंग है, जो टीवी लाउंज में टीवी है सेटिंग, उसकी ज्यादा अच्छी। जी बेटी जान, उसकी ज्यादा अच्छी है। ये भी सिंपल सी है, ये अच्छी, अभी कुछ लगा नहीं, रखा नहीं हुआ क्योंकि बच्चे छोटे और बेबी पाउडर देख रहे हैं। नो नो नो, खाला डांटेंगी, खाला डांटेंगी। जी बेटे, वो घड़ी लगी है, अब चलते हैं जी वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम इसने कुंडी लगाई है। हाँ जी, मैं जरा ये खुलवाती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। जी अब मास्टर बेड का वॉशरूम देखते हैं। ओह माय गॉड, मतलब इतना बड़ा वॉशरूम है, बंदा कंफ्यूज हो जाता है। इस साइड पे जी नहाने धोने का सामान रखा हुआ है। ठीक है जी, ये बड़ा मजे की चीज है। और जी पूरा घूम के, जब नया नया बना था ना, मैं पहले उस तरफ चल जाती थी फिर इस तरफ आती थी, कहती थी आप में क्या मुसीबत है। ये जी सारा वॉशरूम बना हुआ है, ठीक है जी, प्रॉपर नीचे तक नहीं दिखा रही, अच्छा नहीं लगता। और ये सारी जी अलमारियाँ हैं, सारा कुछ अलमारियों के अंदर, ताकि खिलारा नहीं पड़ता। मेरी बहन मेरी बहुत बड़ी वो है, फैन है, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, हर चीज़ मेरी कॉपी करती है। ये देखो जी, ये देखो, ये सारा कुछ आप जो देख रहे हो, ये सारे मेरे पीआर के पैकेजेस चोरी करके लेके आई हुई है, जो मैंने वीडियो बनाई थी 24 के मेरिकल गोल्ड पे, ये जनाब सर अगले दिन आके ले गए। कहती बस जिस पे वीडियो बनाती हो मैंने अगले दिन आके ले जाने। ये लिपस्टिक्स मेरी, हर चीज़ पूरा सामान, ये किट्स मेकअप की, ये सारा कुछ मतलब ये मेरा है। अब जब उसने वीडियो देखनी है ना, उससे मुझे गालियाँ निकालनी है। ठीक है जी, ये सारी अलमारियाँ हैं, अलमारियाँ होनी बहुत ज़रूरी हैं, वॉशरूम के अंदर सारा कुछ आ जाता है। उसके बाद जी ये सारा नीचे सामान शामान रखने के लिए, वॉशरूम साफ करने के लिए चीज़ें आ जाती हैं, यहाँ परफ्यूम्स रखे हुए हैं, यहाँ टूथपेस्ट वगैरह, और ये जी शीशा लगा हुआ है। इसकी इस तरह की है कि दरमियान में ये है, और इस तरफ नहाने का है और उस तरफ धोने का है। ठीक है, समझ लग गई ना आपको। और ये यहाँ पे दरमियान में रख गए, ये चीज़ बिल्कुल क्लीन रहती है। हमारे वॉशरूम छोटे होते हैं ना, तो जब एक दफ़ा नहा लेते हैं तो चिकड़ चिकड़ हो जाता है, तो जनाब साहब ये काम है जी। चलो जी, ये हो गया, ये बच्चों का, ये डायनासोर लटक रहा है, ये जूती है जी। चलो जी बाहर निकलते हैं, बच्चों के कमरे में चलते हैं। हाँ जी, अब चलते हैं बच्चों के रूम की तरफ। रूम की तरफ जाने से पहले आपको दरवाजे की पूरी शेप दिखा देती हूँ। ठीक है जी, ये क्या कहते होते हैं इसको, दरमियान में थोड़ी सी पाथवे है। ठीक है जी, दो कमरे यहाँ खुलते हैं, प्राइवेसी हो जाती है, और यहाँ पे टीवी लाउंज है, और बाकी घर बाहर की तरफ है। ठीक है जी, ईमान बेटे बाहर आ जाओ, मानो बेटे बाहर आओ, मेरा बेटा इधर आए जल्दी। ये जी बच्चों का रूम है, बच्चों का रूम दिखाते हैं। ये जी, जब मैं ब्याह से पहले मैंने ली थी ट्रेडमिल, तो मैं फिर ब्याह के बाद घर ही छोड़ रही थी, मेरी मम्मा ने जो फ़ोन किया चौक के ले जा वरना मैं बाहर छोड़ देनी है, तो फिर मेरी बहन अपने घर ले आई। ये बच्चों की यहाँ बुक्स वगैरह पड़ी हुई है। नहीं 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 बेटा, नहीं तंग ना करो, तंग नहीं करता, तंग बेटा नहीं करता तंग। ये है बेड बच्चों का। ठीक है जी, ये बच्चों के हिसाब से रैक बनाया हुआ है, और ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। ये देखिए सोफ़ों का, उसके बाद बच्चों के बेड के हिसाब से छोटे छोटे चिक बना के ना, पीछे की तरह चिक, और एक साइड पे पर्दे, ये और इस साइड पे भी ये। बेड ब्लैक है, तो वॉलपेपर इस साइड पे ब्लैक एंड ग्रे का कम्बिनेशन। ये साइड प्लेन है, वो लाइट लगाई हुई है। ठीक है, रात को चल जाती है लाइट, एक लाइट वो नीचे लगी हुई है, रात को चल जाती है, मेरा चार्जर लगा हुआ है। उसके बाद ये प्रॉपर इनका भी टीवी है, और ये सारा खिलौने शिलौने इनके सारे यहाँ पड़े हुए हैं, ये नीचे भी सारे खिलौने पड़े हुए हैं। ईमान बेटे बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। खाला के घर में ऐसी हरकतें नहीं करते होते, हम अपने घर जाके करेंगे, ठीक है ना। हमारा घर, हाँ हमारा घर बहुत अच्छा है, इधर तो हम चल भी नहीं सकते, खाला डांटती है हमें। आ जाओ बाहर चले, बाहर बाहर चलो। वो देखो जी, हमें समझ लग गई, अब हम जी बाहर जा, नहीं बाहर नहीं जा रहे, अब मैंने आपको इनका वॉशरूम दिखाना है, वॉशरूम देखते हैं जी। अच्छा जी, तो अब बच्चों के वॉशरूम में चलते हैं, ये बंद करते हैं, लाइटें ऑन करते हैं। यहाँ पे सारे बच्चों के गर्मियों के सर्दियों के कपड़े रखे हुए हैं हमने, और इधर ही रज़ाइयाँ और
फ्लीस वगैरह रखी हुई है। ठीक है जी, ये प्रॉपर अलमारियाँ हैं पूरी पूरी। ठीक है जी, इसका पैटर्न भी वैसा ही है। ये देखें, इसकी वॉल चेंज है, इसकी वॉल मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है। ठीक है, इसको इस तरह की टाइल लगी हुई है और इसका पैटर्न ज़्यादा अच्छा है। एक साइड पे हैंड वॉश वगैरह रखे हुए हैं क्योंकि बच्चों का है ना, बच्चे अभी इस्तेमाल नहीं करते तो अभी नीट एंड क्लीन ही है। यहाँ पे नीचे कबर्ड्स है जो वॉशरूम धोने के लिए है। इस साइड पे क्या है, हाँ जी, इस साइड पे धोने वाले कपड़ों की अलग बास्केट रख देती है। उसके बाद ये प्रॉपर नहाने वाला, जो हमारे घर में देसी लगे हुए हैं ना, उनसे नहाने का मज़ा नहीं आता। जब एक दफ़ा इधर नहा लिया जाए, इधर तो इतना प्रेशर से पानी आता है ना, वो जो हमारी इस तरह की लगी होती है, करके पानी आ रहा होता है। ये नीचे टाइल्स लगी हुई हैं, ये डस्टबिन पड़ी है। उसके बाद ये भी हल्का सा दिखा देती हूँ बस, ये ऊपर ये शेल्फ बनी हुई है छोटी सी, तो कोई वॉल्स वगैरह रख सकते हैं। उसके बाद ये वॉशरूम है, इधर खिड़की है। बस जी, घर जी ख़त्म हुआ। आप लोग कह रहे थे कि दिखा दें सारा घर, जी मैंने आप लोग को सारा घर दिखा दिया है। वो छोटी सी लाइट ऑन करके हम रात सोए थे, बड़ा अच्छा हो जाता है। हम तो जीरो का बल्ब लगाते हैं ना, तो ये कहते हैं नहीं जी, जीरो का बल्ब। ये दिखाती हूँ आप लोग को, ये देखिए ऐसे, ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी है मुझे। ठीक है अब जी, चलते हैं बाहर। टूर हुआ कंप्लीट। ये बच्चे अच्छा जी, तो ये मेन दरवाज़ा था जहाँ पे रात को मैंने आपको बारिश दिखाई थी। इस तरह अब हम ये बाहर निकलते हैं जी। ये गैराज है, ठीक है जी, प्रॉपर। इधर इसके पीछे जाके सर्वेंट क्वार्टर आ जाता है और उनका किचन, उनका सेहन, उनकी वॉशिंग मशीन, जो भी सब कुछ है सेटअप वहाँ किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद ये सारे प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं और ये तो तीन डेकोरेशन पीसेस लगाए हैं बाजरा वगैरह डालने के लिए। यहाँ पे परिंदों को डाल देते हैं खाना वगैरह। उसके बाद जी ये सारा ग्राउंड है माशाल्लाह। इस तरह सिस्टम है कि एक साइड पे भाई रहते हैं और दूसरी साइड पे उनके अम्मी अब्बू और उनके साथ उनके बड़े भाई रहते हैं। घर ज्वाइन ही है, ठीक है, एक तरह घर अलग अलग ही है और ये ग्राउंड ज्वाइन है। मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ, वो देखिए जी, वो उस तरफ उनका घर है, दरमियान में ये थोड़ी सी पार्टीशन है और ये मेरी बहन का घर है, ठीक है। और ये ग्राउंड है मुश्तरका, एक हट बनाई हुई है, हट भी मैं आप लोगों के पास जाके दिखाती हूँ, बड़ी अच्छी है दोपहर को बैठने के लिए, बच्चों को लेके धूप सेकने के लिए। मौसम इतना अच्छा हुआ हुआ है, रात इतनी तेज़ बारिश हुई थी, ये इस तरह हट बनाया हुआ है, कुर्सियाँ रखी हुई हैं, ठीक है जी। और ये इस तरह सारा अच्छा जी। अब इसके व्यू भी दिखा देती हूँ कि मेन ये है, ठीक है जी, ताकि बाहर से भी जिसको थोड़ा सा आइडिया लेना है वो ले सकता है इस तरह। अब जी किधर चलें किधर चलें, मेन गेट भी दिखा देती हूँ क्योंकि जब इनका गेट बना था ना माशाल्लाह, तो बहुत लोग देखने आते थे कि आप लोगों जैसा गेट बनाना है, आप लोगों जैसा गेट बनाना है, लेकिन ये बाहर से नज़र आएगा, इस तरह ना नज़र नहीं आएगा। ये जो इसके मीनाकारियाँ हुई हुई हैं ना, ये बाहर की तरफ नज़र आएंगी। चलें जी अब अंदर चलते हैं। किस किस को मेरी तरह छोटे घर पसंद है और किस किस को बड़े घर पसंद है, मुझे तो होता है दो कमरे हों और एक किचन हो मेरा, बस जी अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला। स्टेमिने की बात होती है ना, मेरी बहन को सफाइयाँ को बहुत शौक है जी, ठीक है जी। वो जी बच्चे खेल रहे हैं, वो जी अल्लाह लाइला सिखा रही है उनको, वो कह रहे कुछ तुसी भी सीख लो। ये जी अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम सलाम। ये जी ऑरेंज जूस दीदार किया जा रहा है लोटे के अंदर। आमना किधर है बॉब भाई? और ये यहाँ से थोड़ा सा आगे, बारिश हुई थी तो गंद वगैरह बड़ा पड़ा हुआ है।
ये पीछे लॉबी है जहाँ से जब ड्राइवर से या कोई चीज़ें मंगवानी होती है ना इस डोर से पकड़ते हैं, मेन डोर यूज़ नहीं करते। चलें जी ये था घर का। हाँ जी जनाब, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैंने सारे आपको आइडियाज़ दे दिए हैं जो कि मेरी बहन के घर में थे। आप लोग को उम्मीद है कुछ ना कुछ तो पसंद आ ही गया होगा, ताकि आप लोग को आसानी होगी अपना घर थोड़ा सा डेकोरेट करने में। और चले जी, ओके जी, अब मुझे इजाज़त दीजिए, आऊँगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ग्राउंड बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, वैसे खेलेंगे। ओके ओके, मैंने तो अल्लाह हाफिज़ कह दिया था। बाय बाय।